हेलो फ्रेंड्स, के सब लोग गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन। तो आज मैं डांस करने वाला हूँ, इसकी मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है स्कूल में। तो चलिए मैं आपको कॉस्ट्यूम बताता हूँ, लेकिन गाना कौन सा बताओ तो बताना रह गया। मेरा बंगाली सॉन्ग है, उसका नाम ढक बजा है, तो उसके ऊपर मैं डांस करने वाला हूँ। गाइस अभी हमें स्कूल को जाना है, और इसका खाना ही खत्म नहीं हुआ। पियू जल्दी जल्दी खाना खाओ। गाइस पियू का खाना खत्म हो रहा है, तो तब तक मैं आपको मेरा कॉस्ट्यूम दिखाता हूँ। तो गाइस ये पहले इन्विटेशन कार्ड है जो स्कूल ने हमें दिया है, इसके बिना हम एंट्री नहीं कर सकते हैं ना जिशु। हाँ, पास भी बोल सकते हैं हम। और ये है मेरा कॉस्ट्यूम, व्हाइट कलर का कुर्ता है, व्हाइट कलर की मेरी धोती है, और ये दुपट्टा है, पट्टा भी बोल सकते हैं, जो हमने घर से अरेंज किया है। गैस पता नहीं ये धोती पर काला काला क्या लगा है, मम्मी ने इसे अच्छे से वॉश भी किया लेकिन फिर भी नहीं निकला। तो चलिए देखते हैं मम्मी किचन में क्या कर रही है। गाइस आज ना सारे बच्चे कुछ ना कुछ अलग खाने के लिए लाते हैं, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी बर्गर बनाओ, तो मम्मी लगता है बर्गर ही बना रही है। मम्मी दो ही बर्गर बनाए? हाँ, क्योंकि मुझे और पापा को बाहर का खाने का मन नहीं है अभी, तो सोचा दो ही बना देती हूँ, तो आप दोनों के लिए दो बर्गर बनाए। तो गाइस चलिए मैं आपको ये कॉस्ट्यूम पहन के दिखाता हूँ, क्योंकि हमें इसे पहन के ही जाना है। तो गाइस ये है मेरा कॉस्ट्यूम जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है धोती थोड़ी छोटी और कुर्ता थोड़ा बड़ा है। धोती ऐसी रहती है, कुर्ता थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन तुम पे अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। और हाँ, ये पट्टा लगाना भूल गया मैं, तो पट्टा नहीं ये दुपट्टा है। हाँ, दुपट्टा लगाना भूल गया मैं, तो इसे हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसे बांधना है। किसी भी साइड बांध सकते हो। गाइस पियू अभी तक रूम में कुछ तो खटपट कर रही है, और पापा अभी ऑफिस है, तो हम ऑटो से जाने वाले। पियू चलो आ जाओ, बाहर जाना है। तो मैंने मेरी बैग भी रेडी कर दी है, जिसमें बहुत सारा सामान भरा है, मेरे यूनिफॉर्म और टिफिन बॉटल। गाइस देखिए, मुझे कब से समझ नहीं आ रहा कि ये गाल फूंका कि क्यों बैठी है, लेकिन मम्मी ने पोनी बांधी है इसलिए रो रही है ये। अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी लग रही है। खुली छोटी है ना, तो फिर बाल बुलंद जाते है ना इसलिए। तो गाइस भी हम नीचे जा रहे हैं, तो ऑटो नीचे आके रुक गई है, तो चलिए चलते हैं। गाइज हम PCCO ही आ गए हैं, और हम ना शायद से बहुत लेट हो गए, क्योंकि हमें ना फर्स्ट सीट पे बैठना था, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 रो तो भर गए हैं। लेकिन गाइज यहाँ की अरेंजमेंट तो देखिए कितनी अच्छे से हुई है। पीहू और मम्मी यहाँ पे बैठेंगे, और पापा थोड़ी देर बाद आएंगे मेरा डांस देखने के लिए। तो चलिए मैं भागता हूँ मेरी क्लास में। थैंक यू ऑल सो मच। गाइज प्रोग्राम शुरू हो गया है, और पीहू ने और मम्मी ने तो प्रोग्राम सामने से देखा, लेकिन मैंने क्लास में प्रोजेक्टर से देखा। बहुत से परफॉर्मेंस होने वाले हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक हम आपको भी दिखाएंगे। गाइस यहाँ पे ना हमारे टीचर स्कूल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है। But they were laying bricks every hour. This is what we have done at SB Patil Public School. Whatever we are, everything SB Patil Public School today is, whatever we are, is a result of the dedication of our students, the hard work our faculties put in, the cooperation of parents. The toppers guys, for grade 10 CBSE board exam, academic year 21-22 are the first position by Arya Gundakali with 99.17%. Kritika Gupta stood second with a dazzling 97%. Chitrak Singh with 96.5. Nehal Chawda with 96.33. And Krishnali Pawar with 96.17%. Guys, वहाँ पे टॉपर्स को अवार्ड दे रहे, और एक दिन मैं भी उस स्टेज पे खड़ा रहूँगा। Guys, हमारे स्कूल में सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक सब कुछ सिखाया जाता है, तो यहाँ पे हो रहा है वेलकम सॉन्ग। गाइज ये है मेरी डांस परफॉर्मेंस, मेरी मतलब पूरी क्लास की, और गेस कीजिए मैं कहाँ पे हूँ। गाइज मेरी डांस परफॉर्मेंस हो गई है, और
कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए हमने ना थोड़ा सा गाना कट कट करके आपको दिखाया है। हमारे स्कूल में जितने भी ऑप्शनल लैंग्वेज है जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, उन सब पे भी डांस परफॉर्म है। तो मेरी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मैं आ गया मेरे मम्मी पापा के साथ बैठने। देखिए फ्रेंड्स कितने सारे पेरेंट्स आ गए हैं, पूरा ग्राउंड भर चुका है। गाइस रात के 10 बज गए हैं, प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है, तो अभी हम भी निकलने वाले हैं। गाइस प्रोग्राम खत्म हो गया है, रात के 11 बजे, तो चलिए घर जाओ। तो गाइस अभी हम घर आ गए हैं, तो अभी लगभग 12 ही बजे है और पता नहीं अभी मम्मी क्या खाने के लिए बना रही। चलिए किचन में जाके देखते हैं। तो मम्मी ने हमारे लिए अभी मैगी बनाई है। क्या करूँ इतने लेट, थोड़ी ना सब्जी और रोटी बनाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे सब्जी रोटी खाने का मन नहीं था, मैगी ही खानी थी। अच्छा देखो वेजिटेबल्स वाली मस्त सी मैगी बनाई है। जब भी रात को लेट हो जाता है ना खाना खाने के लिए, तो हम मैगी बना के खाते हैं, है ना ऋषि? चलिए मैं मस्त वाली मैगी एंजॉय करता हूँ। मैं भी मैगी खाती हूँ। बाय बाय, सी यू, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।